हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मिसल क्लासेस में सभी डियर स्टूडेंट को बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, सभी को पता होगा मैंने पिछला वीडियो में 11 क्लास से रिलेटेड एक वीडियो बनाए थे जिसमें सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे जी मेरे डियर स्टूडेंट, कि कौन कौन से सब्जेक्ट को मिसल क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी मेरे वीडियो को नहीं देखा होगा जिसमें हम सिलेबस के बारे में बताए थे, तो वो कृपया करके उस वीडियो को देखे, उसके बाद को भी एक टॉपिक को देखेंगे। डियर स्टूडेंट, उसमें इतना सारा चीज़ बताए गए हैं, उतने देखने के बाद ही आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार मिसल क्लासेस में 11 क्लास के हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग उस पिछला क्लास में हम लोग ने वीडियो को उस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे कि कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और उतना सब्जेक्ट डिस्कस करने के बावजूद भी डियर स्टूडेंट, अगर किसी का भी कोई और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो वह कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उनको भी बताएंगे। जो भी को टॉपिक हो या जो भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट को मिसल क्लासेस में आप लोगों को आसान तरीके से और 100% मैंने वादा किया था कि 100% टॉपिक बाय टॉपिक सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। जितना क्वेश्चन आपको मिसल क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है डियर स्टूडेंट, उतना आप पढ़ लीजिए। कहीं भी ट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं इस क्लास में इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ 11th क्लास से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो काम के साइड में डियर स्टूडेंट वो घर बैठे या सोने के समय अपने मोबाइल को हाथ में रख कर वो पढ़ सकते हैं। उसको कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी ट्यूशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ये दावा है कि मैंने जितना क्लास करवाएंगे, अगर आप सही सही सभी क्वेश्चन को अगर पढ़ लें तो 40% 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 35% 100% मिलेंगे। ये मेरे दोस्तों वादा है। तो दोस्तों, हम लोग ने पिछला वीडियो में देखे थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाए जाएंगे, उनमें उन्हीं में से एक सब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, हिस्ट्री। जी मेरे डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री का पहला टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, और आप देख रहे हैं कि पहला टॉपिक का नाम है समय के प्रारंभ से पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। जी मेरे डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों को पहला चैप्टर है। जो भी अगर अभी तक मेरे चैनल को कोई भी कैंडिडेट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डियर स्टूडेंट, इतना सारा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाए और आप नहीं सकेंगे। सभी क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ डिस्कस किया जाएगा, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर आप देख रहे हैं। यहाँ पहला चैप्टर लिखा हुआ है, और पहला चैप्टर का नाम डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, पहला चैप्टर का नाम क्या है, समय के प्रारंभ से पाषाणकाल संस्कृतियाँ। ये मेरा पहला टॉपिक है। उसके बाद हम लोग कोई भी नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो देख, अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अभी तक कोई लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे डियर स्टूडेंट, सभी डियर स्टूडेंट जो भी गरीब बच्चे हैं, सभी बच्चों को इस वीडियो को पहुँचाएँ। जी मेरे डियर स्टूडेंट, उसको भी पहुँचाएँ ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ सके। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक हिस्ट्री का। पहला टॉपिक का नाम है समय के प्रारंभ से पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। पहला टॉपिक में हम लोग देखेंगे सभी क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या किस प्रकार एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, और हिस्ट्री का पहला टॉपिक का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, आपके सामने है, जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैमार्क। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर 3 अरब वर्ष पूर्व सूचतम जीवों का आविर्भाव किस युग में हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी मेरे डियर स्टूडेंट, परजीव युग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, पिथिकेंथेपोरस इरेक्ट का नाम यूजिन डुबाई ने किसे दिया। जो यूजिन डुबाई साइंटिस्ट है, वो किस नाम से दिए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापा मानो। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में पीकिंग मानव की खोज संबंधित है। जी मेरे डियर स्टूडेंट, प्रश्न कहता है
चीन में पीकिंग मानव की खोज से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जे जी एंडरसन, डेविस ब्लैक, WC पेई सभी ने पीकिंग मानव की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, नियंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलराट ने कहाँ से प्राप्त किए? इसका राइट आंसर होगा जर्मन। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा जर्मन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंडरथल मानव। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर अभी तक कोई भी कैंडिडेट मिसाइल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वो मिसाइल क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे डियर स्टूडेंट मैंने जितना भी वीडियो बनाएंगे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ये मेरा वादा है मेरे डियर स्टूडेंट, जितना भी आप कोचिंग सेंटर गए हैं या जा रहे हैं या ट्यूशन जा रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे तो आप चैनल को डिसलाइक कर दें। जी मेरे डियर स्टूडेंट, आप चैनल को डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियंडरथल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? जी मेरे डियर स्टूडेंट, प्रश्न कहता है मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आज के मानव किस प्रजाति के हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होमो सेपियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे डियर स्टूडेंट, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। निम्नलिखित में से किस देश से गुफा चित्र मिला है? जी मेरे डियर स्टूडेंट, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश में गुफा चित्र मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन में गुफा चित्र मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, समर्थ की उत्तर जीवित किसका सिद्धांत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4,70,00,000,000 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, नवपाषाण काल का आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 7,000 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलाई वाली सुई का आविष्कार हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21,000 वर्ष पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टमीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। स्पेन में ही अल्टमीरा गुफा चित्र मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि का उपयोग मानव ने कितने वर्ष पहले आरंभ किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14,00,000 वर्ष पूर्व पहले मानव ने अग्नि का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो हैबिल
के जीवाश्म मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है होमो इरेक्ट के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया तथा अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में होमोनिड का उद्भव हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन औजार बना सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यह आदमी भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं होमोनिड, इसको हम लोग होमोनिड भी, अगर मान लेते हैं एग्जाम में अगर ऑप्शन में आदमी ना रहा होगा तो लिखा होगा दोस्तों होमिनिड। जी मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा होगा होमिनिड, इसको भी हम लोग आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की उत्पत्ति हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है? इसका राइट आंसर होगा मिट्टी का बर्तन। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको भी बिल्कुल हम लोग ना भूलें। प्रश्न कहता है, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 लाख वर्ष पहले मानव द्वारा शिकार शुरू किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, पांच बार इसको दोस्तों स्टार्ट कर ले, ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछे गए हैं, 2019 में भी पूछे गए हैं, और 2020 में भी पूछे गए हैं, और 2021 में भी पूछे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो 2021 का एग्जाम हो, चाहे 20 का हो, चाहे 2022 का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम पर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला टॉपिक का आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है, विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद की सिद्धांत की रचना किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है, और हम कह सकते हैं कि चैप्टर वन का आज लास्ट प्रश्न है। फिर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कमिंग सोन चैप्टर टू, चैप्टर वन के बाद हम लोग चैप्टर टू पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम लोग दोस्तों हिस्ट्री के जितना भी टॉपिक है, हम लोग हर एक टॉपिक बाय टॉपिक जितना भी क्वेश्चन हो सके, जो एग्ज़ाम में होते पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, मेरा कहने का मकसद है कि आपको जितना सारा क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा, उसमें से एक भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बिना पढ़े एग्ज़ाम पे नहीं जा सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को आप लोग आराम से पढ़े, पढ़ने के बाद दोस्तों एग्ज़ाम दें, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि लास्ट प्रश्न क्या है। होमो नियंडरथेलिस के जीवाश्म पाए गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियंडर घाटी में। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर टू को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इतना अच्छा तरीके से पढ़ा जाएगा कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट को एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन देखने ना मिले जो क्वेश्चन उनसे ना बने। पर शर्त है मेरे डियर स्टूडेंट कि वो क्वेश्चन को जितना बताया जाएगा वो ईमानदारी के साथ पढ़े, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन को आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे चैप्टर वन हिस्ट्री के, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर टू और चैप्टर थ्री। जी मेरे डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग कोई भी आने वाले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो जो कैंडिडेट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ करके वह सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को या भाई बहन को शेयर करें, ताकि मेरे डियर स्टूडेंट मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इतना वीडियो को शेयर करें कि सभी कैंडिडेट के पास मेरे डियर स्टूडेंट ये वीडियो पहुँच जाए, और आराम से घर बैठे सभी भाई बहन
पढ़कर आराम से पास हो सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम के समय पढ़ना एग्ज़ाम तो देना चाहता है पर वह पहले से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतना सारा काम होते हैं, जिम्मेदारी पड़ जाते हैं घर का, तो वह काम के समय में भी ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं मोबाइल में देखकर। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आज देखेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3। जो जो कैंडिडेट अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके वो मिसल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और मेरे डियर स्टूडेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग आज पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमेर सभ्यता। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दजला एवं फ्रात। इसमें अभी तक जो तीनों क्वेश्चन बताया गया है मेरे डियर स्टूडेंट, तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर से तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, उर नगर में प्रेस एवं बिलास की कुमारी देवी कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न डियर स्टूडेंट अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी आंसर बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर सी होगा, लगास। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्दुक। अगला प्रश्न है, अक्कदा का शासक सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाक्षर लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवा देवी को कहा जाता था? इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्ना। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, झूलते बाघ की सभ्यता की देन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, पीली नदी किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पर मैंने VBI लगाया है दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले मेरे डियर स्टूडेंट जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस से, मैं 3 साल से 11 क्लास के आर्ट्स को पढ़ा रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हमको मालूम है। तो पीली नदी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हांगो। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कृषि पंचांग किस स्थान पर मिले कृषि संबंधित अभिलेख को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीपुर। नेक्स्ट प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेर सभ्यता या सुमेर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारगन प्रथम। अगला प्रश्न है, जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग स्किप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाक्षर लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से किलाक्षर लिपि संबंधित है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है मेरे डियर स्टूडेंट कि मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी थी, तो हम लोग बोल सकते हैं आराम से किलाक्षर लिपि के थे। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की देवी इन्ना का संबंध था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेस और युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, 20 और 21 क्वेश्चन है। 21 में असुर बनिपाल कहाँ के शासक थे?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असीरिया। जी मेरे डियर स्टूडेंट, असुरबनिपाल असीरिया के शासक थे। अगला प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं और 2020 में भी पूछे गए हैं मेरे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें इनको। मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधित थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र। अगला प्रश्न है शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया। तो जी मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग देखे चैप्टर 2 में मोस्ट 24 क्वेश्चन, उनमें से जिस क्वेश्चन पर मैंने आपको बोला है कि उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना नहीं है, तो बिल्कुल उस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान ना दें, और जिस क्वेश्चन पर मैंने इम्पोर्टेंट का सिंबल लगाया है, कृपया करें वह क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि सभी क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए हम लोग अब तीसरा चैप्टर को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग चैप्टर तीसरा को देखेंगे, और टॉपिक तीसरा का पहला प्रश्न है रोम साम्राज्य में प्रत्येक परिवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेस्ता। जी मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेस्ता। नेक्स्ट प्रश्न है रोम समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जुपिटर। नेक्स्ट प्रश्न है कोलोसियम कहाँ था, या कोलोसियम में किस क्या था, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक आंकड़े का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फोरम के बारे में सत्य कथन है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको आंसर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट। जूलियस सीजर जो एक व्यक्ति थे वह क्या थे, सेनापति थे, एक इतिहासकार थे, या एक क्लियोपेट्रा का प्रेमी था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है जूलियस सीजर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है, जो जूलियस सीजर ने लिखा था पुस्तक, उस पुस्तक किस चीज़ का था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गाथिक युद्ध और गिरी युद्ध के बारे में ही लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है पेंथियन क्या था, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एक मंदिर। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको अगर कोई कैंडिडेट 2020 के एग्ज़ाम दिए हैं तो ज़रूर उस क्वेश्चन को देखने को मिला था, और हो सकता है कि 2021 में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गैलन। अगला प्रश्न है जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तो नेक्स्ट प्रश्न है जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जूलियस सीजर। नेक्स्ट प्रश्न है जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीरो। नीरो जी नहीं, जब रोम साम्राज्य जल रहा था तब रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था, तो नीरो। नेक्स्ट प्रश्न है ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलमी। अगला प्रश्न है, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोम साम्राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी में सासी वंश का उदय हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एलारिक ने रोम पर कब आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 410 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिल सकता है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रोमन साम्राज्य का दो भागों में विभाजन हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रोमन लोगों का देवी अथवा देवता नहीं था? जी मेरे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है कि कौन से देवी या देवता रोम साम्राज्य का नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेगन। अगला प्रश्न है, अगस्टस का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टोवियम। नेक्स्ट प्रश्न है, 73 ईस्वी पूर्व हुए गुलामों के विद्रोह का नेता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता एग्जाम में, फिर भी आंसर में बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी 2020 में के एग्जाम पर पूछे गए थे। तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। अगला प्रश्न है, रोम साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, और जिस जिस कैंडिडेट को मालूम है तो ज़रूर वो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दें। इस क्वेश्चन है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तो नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा नील नदी। जो जो कैंडिडेट जानते हैं अपने मन से, तो डियर स्टूडेंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए आज हम लोग देखें हिस्ट्री के मोस्ट टू चैप्टर टॉपिक देखें, उसके बाद हम लोग इसी प्रकार टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते रहेंगे जब तक दोस्तों एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी हम लोग का बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम को देख के ही हम लोग पढ़ेंगे। जो जो टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं वही टॉपिक से आप लोगों को पढ़ाऊँगा, और आप लोग आराम से घर बैठे पढ़ सकते हैं। बस इतना कीजिएगा मेरे डियर स्टूडेंट कि जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे थोड़ा ईमानदारी के साथ देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सिर्फ आंसर देके नहीं उसके बारे में कुछ बताए जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हम लोग पढ़ते रहेंगे। दोस्तों जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हम वही क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, आप लोग इतना पढ़ लीजिए, कोई भी कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिवाय शर्त मेरे डियर स्टूडेंट मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ईमानदारी के साथ पढ़ें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अभी तक जो जो कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, अपने भाई बहन को इतना ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी भाई बहन घर बैठे आराम से पढ़ सकें।
मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंस्टीट्यूट या ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो मैं खास करके उस तरह के कैंडिडेट को कहना चाहता हूं कि आज के दौर पर सभी के पास एक आईफोन होते हैं, उस आईफोन पर घर बैठे आप सोते समय या सोने से पहले आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए, अगर तक कोई कैंडिडेट अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी दबा दे, ताकि मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके और इस वीडियो को इतना शेयर करे ताकि हर एक कैंडिडेट के पास पहुंच जाए जो 11 क्लास के से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज का पहला चैप्टर का नाम है फोर जिम रेडियो देखेंगे। आज हम लोग पहला चैप्टर का नाम है इस्लामिक साम्राज्य का उदय एवं धर्म युद्ध, हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में आप लोगों को नहीं तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का मेरे डियर स्टूडेंट पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित है। जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बदू। मेरे डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ये टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट नहीं लगाएंगे। हो सके तो जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मैं उसको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब कबीले की बहुदू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य के संस्थापक का योगदान दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी, आसिया साम्राज्य, बेबीलोन साम्राज्य, अरब साम्राज्य और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मक्का के बारे में सत्य कथन है। जी मेरे स्टूडेंट, मक्का के बारे में बोल रहे कि कौन सा कथन सत्य है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म की स्थापना में काबा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती थी। सभी क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, आज जो जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 से, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं VVI नहीं लगा रहा हूँ। आप लोग मान के चले कि चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 340 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्का की देवी थी इसका राइट आंसर होगा इसमें से सभी, मानता अत ताल अल उज्जा, सभी मक्का की देवी थी। अगला प्रश्न है, अरबों की बदू जाति की गृह देवी एवं धन धानाई की देवी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनात। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद साहब के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उन्होंने अपने उम्र में बड़ी मक्का के एक धनी व्यापारी की विधवा से विवाह किया। मदीना में उन्होंने कई शादियां की। मोहम्मद साहब के बाद बनाने वाले दोनों ही खलीफा उनकी पत्नी के पिता थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी मेरे डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आमीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैगंबर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हसन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम धर्म युद्ध था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आस्ट्रिया में एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी खदीजा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 570 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्कावासी कावा सहित कितने देवी देवताओं की मूर्तियां की पूजा करते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 340। ये रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, जब मोहम्मद साहब की मां का देहांत हुआ उस समय मोहम्मद साहब की उम्र थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, विश्व ने अरबों से पहनना सीखा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोजा एवं कमीज। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी धर्म अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने कागज बनाना सीखा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन से विश्व के सभी देशों ने कागज बनाना सीखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिराज पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्बासी क्रांति किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 650 एडी। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 625 एडी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अबू बकर मुसलमानों का प्रथम खलीफा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम खलीफा कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अली। जी मेरे डियर स्टूडेंट, अंतिम खलीफा कौन थे? तो अली आंसर होगा। अगर प्रथम खलीफा पूछा जाए तो अबू बकर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 छूट गया। चलिए दोस्तों, इसको भी बता देना चाहता हूँ, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मक्का में। मेरे डियर स्टूडेंट, अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट। सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, बार बार मेरे पर ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 3 साल से इंटरमीडिएट के आर्ट्स को पढ़ा रहा हूँ। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे, मुझे सभी प्रकार के क्वेश्चन को मालूम है कि किस तरह पूछे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले ही बता चुका था कि चैप्टर 4 के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब चैप्टर 5 में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैप्टर 5 का पहला प्रश्न है, निम्न में से खनाबदोष जाति कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, हून मंगोल शक उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगोलों का प्रिय पशु था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी घोड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनाबदोष यूची कबीले की किस शाखा ने भारत में साम्राज्य स्थापित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कुषाण। अगला प्रश्न है, खनाबदोष हून जाति से निकली हुई जाति थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे रेस्टोरेंट, फिर भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए। किस घुमंतू जाति के आक्रमण से बचने के लिए सिंहागति ने चीन में महादीवार का निर्माण कराया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हुन। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी लोग किस यायावर जाति को हुन नू कहते थे?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हुन। जी मेरे डियर स्टूडेंट, हुन को ही चीन के लोगों ने यावर जाति के को हुन नू कहते थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, फिर भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। किस कैथोलिक साधु ने मंगोलों की भौगोलिक एवं जलवायु संबंधित कठिनाइयों पर प्रकाश डाला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्पिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों का प्री पे कुमिस एक प्रकार की शराब किस पशु के दूध से बनती थी? जो मंगोलों का प्रिय शराब प्री पेय पदार्थ थे वह एक पशु से बनते थे, उस पशु का नाम क्या थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ई गुरु मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न, चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुन। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंगेज खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खा का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1162 ईस्वी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, चंगेज खा का वास्तविक नाम था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बी तेमुजिन। जी मेरे डियर स्टूडेंट, चंगेज खा का वास्तविक नाम तेमुजिन था। अगला प्रश्न है, चंगेज खा मंगोलिया का शासक बना? चंगेज खा कब मंगोलिया का शासक बना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1206 ईस्वी में चंगेज खा मंगोलों का शासक बना। अगला प्रश्न है, चंगेज खा की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 72 वर्ष। अगला प्रश्न है, कुबुलाई खान ने चीन में युआन वंश की नींव डाली थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1271। नेक्स्ट प्रश्न मेरे डियर स्टूडेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं और नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलोइन इके कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंगेज खां की माँ। जी मेरे डियर स्टूडेंट, चंगेज खां की माँ का नाम था ओलोइन इके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काराकोरम। मैं डियर स्टूडेंट में बता देना चाहता हूँ कि चंगेज खान से रिलेटेड और पैगंबर मोहम्मद साहब से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में अभी तक पूछे नहीं गए हैं। इन्हीं दो टॉपिक से इतना सारा क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग इन्हीं दो टॉपिक से 10 या 12 क्वेश्चन पूछते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। खास करके आप लोग इन दोनों टॉपिक पर ध्यान रखें, क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट 16 नंबर पर फेल और 17 नंबर पर पास, एक नंबर अगर आपका कम आए तो आप फेल हो जाएंगे और फिर आपको एक साल वेट करना पड़ेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, तो हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि हम लोग आराम से पढ़कर पास हो जाएं। इटालियन यागी मार्को पोलो किसके काल में चीन आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुबल खां जी के शासनकाल में मार्को पोलो चीन आए थे। अगला प्रश्न है, मंगोलों के आचरण के लिए यस्सा का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंगेज खां। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, जो जनवरी महीना में एग्जाम हुआ था मेरा डियर स्टूडेंट, उस क्वेश्चन पर आपको ये देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास पिछले साल का पेपर है तो जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यायावर का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घूमकक्कड़। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, ओगोदाई किसका पुत्र था?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंगेज खान। चंगेज खान ओबदय का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? आज का लास्ट प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट कि चंगेज खान का मृत्यु कब हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1227 ईस्वी। मेरे डियर स्टूडेंट, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनके पुत्र का क्या नाम था, वह कब मृत्यु हुए थे, कब जन्म हुए थे, कब राजगद्दी पर बैठे, ये सब क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यानपूर्वक रखें क्योंकि इसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस किए चैप्टर 4 और 5 को डिस्कस किए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे 6-7। इसी तरह हम लोग पढ़ते रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है मेरे डियर स्टूडेंट। मैंने पहले ही बता चुका था कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस्लामिक साम्राज्य का उदय और या मंगोलों का साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे डियर स्टूडेंट। खास करके आप दोनों टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आप जो यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ डिस्कस करेंगे 5, 6 और 7 जी मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ गलती से लिखा गया है, 8 नहीं होगा, यहाँ 6 और 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 और 7 से रिलेटेड जितना भी एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो जो जो कैंडिडेट मिसल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करके वह सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि मेरे डियर स्टूडेंट मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 और 7, इसके बाद हम लोग देखेंगे 8 और 9। इसी प्रकार हम लोग हिस्ट्री के सभी टॉपिक को हर एक क्वेश्चन को इतना गहराई से पढ़ेंगे ताकि कोई भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछे और हम आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहे सभी भाई बहन से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो इतना शेयर करें ताकि सभी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स के कैंडिडेट के पास पहुंच जाए जो 11 क्लास से रिलेटेड है। इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट को किसी दूसरा सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है या वीडियो बनाने के लिए आपका रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम वो भी टॉपिक को वीडियो लेकर आपके पास आएंगे जिस डिपार्टमेंट से आप रिलेटेड हैं। ऐसा तो हालांकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, यही सब डिस्कस करेंगे। अगर किसी का अगर फिजियोलॉजी है तो वो भी या साइकोलॉजी है तो कोई भी कैंडिडेट आपके अगर इस तरह का है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम वो भी बताने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 6 और 7, यहाँ गलती से 7-8 लिखा गया है, यहाँ देखेंगे हम लोग 6 और 7 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक जो बेल आइकन को नहीं दबाए हो घंटी को बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। ये वीडियो सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए है जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स 11 क्लास से बिलोंग करते हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए आप अगर कोचिंग सेंटर में पढ़ेंगे तो कितना 3-4 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट होगा। आप घर बैठे आराम से टाइम भी बचाकर 3-4 घंटे का वीडियो हिस्ट्री का है वो आराम से देखकर पूरे टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 और 7, इसके बाद हम लोग देखेंगे 8 और 9, इसी प्रकार हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को और कि कौन कौन से चैप्टर 6 और 7 में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहला प्रश्न है आज का, पवित्र रोम साम्राज्य का संस्थापक सम्राट लोप लिए तृतीय ने स्वर्ण मुकुट पहनाकर किसे घोषित किया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे डियर स्टूडेंट, इसको भी आप लोग थोड़ा नज़र में रखेंगे। जिस क्वेश्चन पर हम मैंने VVI करेंगे वो क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने 5 ईस्वी में फ्रैंक राज्य का निर्माण कर ईसाई धर्म का ग्रहण किया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में यूरोप में समतावाद की जड़ें मजबूत हुई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शार्लमैन।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 2019 में भी पूछे गए हैं और जो 2020 में एग्जाम दिए हैं उनको भी पूछे गए हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। फाइव क्या है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जागीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समतावादी अधिक्रम में आता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्प किसे कहा जाता था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूदास। अगला प्रश्न है, समतावादी अर्थव्यवस्था थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाह अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, प्रांतों के प्रमुख धर्म अधिकार कहलाते थे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्क बिशप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिगोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लुई चौदवा के निरकुशतम राज्यतंत्र को किसने संभव बनाया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जॉन ऑफ आर्क का संबंध किस देश में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, 1000 ईस्वी में यूरोप की जनसंख्या थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, फिर भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 420 लाख। अगला प्रश्न है, पोप लियो दसम प्रतिमा जुए में खर्च करता था, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है, जॉन हस को खूंटे से बांध कर कब जिंदा जला दिया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पोप पोल तृतीय ने इटली के टेंट नामक स्थान पर एक परिषद का आह्वान किया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1545 AD। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के एकीकरण के फलस्वरूप स्टॉट राजवंश अस्तित्व में आया, का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1603। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 नवंबर 1483 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिगोरी रोम का पादरी नियुक्त किया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 590 ईस्वी। अगला प्रश्न है, समतावाद की छोटी इकाई क्या थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोप ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री आरंभ की, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लियो दसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था, इसका राइट आंसर होगा बी, जी मेरे डियर स्टूडेंट, मार्टिन लूथर जर्मनी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हुल्ड्रिक जिग्वली का संबंध किस देश से था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन काल्विन का संबंध किस देश में था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। जी मेरे डियर स्टूडेंट, फ्रांस के रहने वाले जॉन काल्विन का संबंध फ्रांस देश से थे। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप लोग थोड़ा देख लेना जरूरी है, मूर्खताओं की परसा पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इरेस्मस। अगला प्रश्न है, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे डियर स्टूडेंट, पांडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जी मेरे डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पांडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। इटली में पांडुआ विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनर। और चैप्टर सिक्स का लास्ट प्रश्न है आज, जर्मनी किस महादेश में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, 2019 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, हो सकता है कि आने वाले 2021 में भी पूछे जा सकते हैं,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप। यूरोप जर्मनी जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक ये क्वेश्चन रिलेटेड थे चैप्टर 6 से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4। मेरे डियर स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं उनको घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। ये 3 से 4 घंटा का क्लास है। मैंने टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर मिसाल क्लासेस में अपलोड करके रखा हूँ। अगर किसी को चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से आप देख भी सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके, सभी भाई बहन आराम से पढ़ लिख कर पास हो सके। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे अभी चैप्टर 7। जी मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 के क्वेश्चन। अब चलिए चैप्टर 7 का पहला प्रश्न है, यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। तुर्कों ने यह विजय कब प्राप्त की? मेरे डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि मुझे 11 क्लास के आर्ट्स पढ़ाने में 3 साल के एक्सपीरियंस है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चनों का हमको मालूम है, इसीलिए मैं आप लोगों को घर बैठे आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। जितना बता रहे हैं तो डियर स्टूडेंट उतना आप लोग कीजिए। वादा है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को नहीं छूटेगा, पर मेरा एक शर्त है कि आप थोड़ा ईमानदारी के साथ पढ़ें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन इतना खास नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल का एक महान वस्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार या मूर्तिकार कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो पुनर्जागरण काल का एक महान वस्तुविद थे। इसका लास्ट आज का चौथा प्रश्न है, द लास्ट सफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लास्ट सफर नामक विश्वविद्यालय चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था? पुनर्जागरण कालीन का प्रमुख मूर्तिकार कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मेरे डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दांते के बारे में सत्य कथन कौन सी है? दांते द्वारा डिवाइड कॉमेडी, ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे कि हो सकता है कि डिवाइड कॉमेडी नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो आप क्लिक करेंगे दांते। दांते जी ने ही डिवाइड कॉमेडी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, दांते की तुलना यूनानी कवि होमर ने होमर के साथ की जाती है, ये भी सही है। दांतों को तालावी कविता का जन्मदाता कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी उतना खास नहीं है, फिर भी हम लोग बता देना चाहता हूँ कि बाइबिल के पश्चात सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाले पुस्तक के साथ साथ विश्व में प्रथम बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक कौन सी थी? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बाइबिल के बाद जो पुस्तक सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है और सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है, उस पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न मेरे डियर स्टूडेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो दा विंची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, कैंटाबरी टेल्स की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चौसर। चौसर ने कैंटाबरी टेल्स की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इटली। डिवाइन कॉमेडी के
किसी ने लिखा यार डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, मैंने पिछला क्वेश्चन में यही बताया था कि डिवाइन कॉमेडी भी एग्जाम पूछ सकते हैं कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दांते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2021 के एग्जाम पर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ होना माना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1453। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इटली। अगला प्रश्न है, टॉम समोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, लूथर ने बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1522 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है, किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन 2019-2020 में भी पूछे गए और हो सकता है कि 2021 में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के ग्रहों का गति संबंधित सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 20 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केपलर। केपलर जी ने सौरमंडल के ग्रहों का गति के प्रतिपादन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को पेटार्क। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेकेमेरॉन किसकी कृति है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोकासियो। आज का लास्ट प्रश्न है और चैप्टर 7 का लास्ट प्रश्न है, दीपाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइकल एंजेलो ही द पाइटा नामक चित्र कृति माइकल एंजेलो से ही संबंधित है। तो मेरे डियर स्टूडेंट आज हम लोग देखें चैप्टर 6 और 7 को, उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 और 9 को, इसी प्रकार हम लोग घर बैठे आराम से 11 क्लास के आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट को घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, पर शर्त है कि आप वीडियो देखते समय वीडियो को स्किप ना करें और थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, हो सकता है इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि समय समय पर मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो अब तक पहुंच सके। मेरे डियर स्टूडेंट मैंने पिछला वीडियो बताया था कि एक टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरे डियर स्टूडेंट मुझे 3 साल के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, बस आप लोग थोड़ा ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़े जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। मेरे डियर स्टूडेंट आप यहां देख रहे हैं कि क्लास लिखा हुआ क्लास 11 फॉर आर्ट्स और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 और 9 को डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। जी मेरे डियर स्टूडेंट जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो आज के टॉपिक 8 और 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग थोड़ा चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें जो 11 क्लास से रिलेटेड है, सभी भाई बहन के पास ये वीडियो पहुंच जाए ताकि मेरे डियर स्टूडेंट की घर बैठे आराम से वो लोग पढ़ सकते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर या ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो ट्यूशन या वगैरह नहीं कर पाते हैं उनके लिए घर बैठे आराम से वो रात हो या सुबह को टाइम आराम से पढ़ सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट ये भी मैं वादा करता हूँ कि आप जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं या कोचिंग पढ़ रहे हैं वहाँ
जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको उतना क्वेश्चन वहाँ नहीं पढ़ाए हैं, ये मेरा वादा है, क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से नहीं। तो जिस क्वेश्चन पर मैंने VVI लगाएंगे उस क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की ओर चलने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरा वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहे, और अगर किसी को PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से मिसल क्लासेस से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, आज का पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं कि यूरोपियों द्वारा समुद्र मार्गों की खोज का परिवर्तक तत्व था। 1 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न मेरे डियर स्टूडेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। हाँ, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरप्राइजेस ऑफ द इंडीज जहाज किसका था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबस। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलंबस किस देश के नाविक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इटली के रहने वाले थे, अगर जगह का नाम पूछे तो जियोना, इटली के जियोना जगह पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो कैंडिडेट जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हम वही क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दोस्तों मैं सब क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग को बहुत सामने हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखा जाए तो अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम पूछे जाते हैं वही सब हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर लिखा हुआ है, एजटेक संस्कृति अमेरिका का विनाश 1519 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इंका सभ्यता का विनाश 1532 ईस्वी में किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को पिजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व की परिक्रमा लगाने का श्रेय किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मैगलन ने भी लगाया है, डेलकाओ ने भी, फ्रांसिस्को ड्रेक, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला का मंदिर किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माया जी नहीं, ग्वाटेमाला का मंदिर डिस्कस किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 3 साल में आपको पूछे गए हैं और हो सकता है कि आने वाले साल में भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, ब्राजील। ब्राजील के नाम पर, ब्राजील एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका की खोज किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस। कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, माया सभ्यता का इतिहास आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अक्टूबर 1492 को। 11 अक्टूबर 1492 को ही नहीं, 11 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, माया संस्कृति में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 365 दिन। माया संस्कृति में एक वर्ष में माह होते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, माया संस्कृति में एक माह में कितने दिन की संख्या होती थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट, जो तीनों लगातार क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस्को पिजारो ने इंका सभ्यता को कब नष्ट किया था?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1532 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 95 थीसिस की रचना का वर्ष है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पॉप ग्रेगोरी त्रयोदश के ग्रेगोरोंटिन कैलेंडर का आरंभ कब किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1582। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, किस सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी। हेनरी को ही पुर्तगाल के नाविक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1410 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक इमगो मुंडी कहा जाता है? प्रश्न कहता है कि 1410 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक इमगो मुंडी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इतिहास। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, आज चैप्टर 8 का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, कुतुबगुनों का आविष्कार हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1380। जी मेरे डियर स्टूडेंट, कुतुब नुमा का आविष्कार 1380 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन पर मैंने वीवीआई लगाए हैं वो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के 2 साल से पहले पूछे जा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे डियर स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं। अगर किसी को अगर कोई भी सब्जेक्ट का और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वो भी वीडियो लेकर आएंगे। चलिए ये हम लोग आज डिस्कस किए 8, चलिए उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 9 चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जो जो कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो देखिए नेक्स्ट आज का चैप्टर नाइन का फर्स्ट प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में फ्रांस के किस समाजवादी नेता द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुई ब्लानकुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हम वही क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपवासी उपनिवेशों की स्थापना में जुट गए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो 8 क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट वो आप 4-5 बार स्टार लगा लें। ये क्वेश्चन एग्जाम के 2018-19 और 2020 में पूछे गए हैं, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैकडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1807 ईस्वी में किस अमेरिका ने प्रथम भाप चलित नौका क्लैकमोर्ट का आविष्कार किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट फुल्टन। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1830।
अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, एडवर्ड कार्टराइट ने वाष्पित चलित परल लूम बनाया। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। 14 नंबर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 16 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने। और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1876। 1876 नहीं, ग्राहम बेल ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सैमुअल मोर्स ने तार यंत्र का आविष्कार कब किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1844। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट, तो हम लोग अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। जर्मन में औद्योगिकरण का दशक कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1850 से 1860। नेक्स्ट प्रश्न क्यों देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, माइटल ने लेथ मशीन का आविष्कार किया। जो माइटल जी हैं उसने लेथ मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1800। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरग्रीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, जोहानिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया था। जो प्रिंटिंग प्रेस हुए है मेरे डियर स्टूडेंट, वो गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कब आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1450 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किसे धातुकर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम डर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, लंकाशायर कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, लिवरपूल कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कि छापाखाना का आविष्कार कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस और छापाखाना, हम लोग प्रिंटिंग प्रेस भी बोल सकते हैं, और अगर हिंदी से बोला जाए तो छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है, बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। बारूद जो है मेरे डियर स्टूडेंट, वह सबसे पहले किस देश में आविष्कार हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन नहीं, बारूद का आविष्कार हुआ था। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखें चैप्टर 8 और 9 को डिस्कस किए, जो 11 क्लास से रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड है। 8 और 9 डिस्कस करने के बाद मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 10 और 11। हम लोग इस प्रकार पूरा टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आज एक टॉपिक से जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं उतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। एक टॉपिक से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक टॉपिक में बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक टॉपिक से आपको वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट, अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके वो सब्सक्राइब कर ले, और अपने भाई बहन को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुँच जाए और वह आराम से टॉप से ना बने। पर शर्त है कि आप ईमानदारी के साथ पढ़ें। अभी तक कोई भी कैंडिडेट मेरे वीडियो मेरे चैनल को अगर अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके वह सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये वीडियो को इतना शेयर करें मेरे डियर स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट आर्ट से रिलेटेड है और क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, और कोई भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, तो उनको इस वीडियो को इतना सारा शेयर करें ताकि सभी भाई बहन के पास ये वीडियो पहुँच जाए। मैंने इस क्लास में इसलिए आपको 11 क्लास को बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं मेरे डियर स्टूडेंट। मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट है
जो काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं तो और इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते हैं, कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं, ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो घर बैठे काम करते समय कोई भी समय में अब थोड़ा सा भी फुर्सत मिले तो आप वीडियो को देख सकते हैं। इसमें जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, मेरा वादा है कि कोई भी कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट आपको नहीं पढ़ाया है, नहीं कोई ट्यूशन आपको इतना क्वेश्चन बताया है, पर शर्त है कि आप जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है उतना क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ईमानदारी के साथ पढ़ें। चलिए हम लोग देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन को ये वीडियो शेयर करें जो भी डिपार्टमेंट वहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो मेरा यूट्यूब चैनल मिसाल क्लासेस को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इसमें नोटिफिकेशन आपको द्वारा प्राप्त होते रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहे। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो नीचे में डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 और 11, इसके बाद हम लोग देखेंगे कोई भी दूसरा सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स को हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हम लोगों को बहुत नज़दीक में है। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है आपसे। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, आप पूछा गया है कि यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का कारण था। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मेरे डियर स्टूडेंट मैं वही सब बताऊंगा। अभी हम लोग एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है इसलिए हम लोगों को शॉर्ट में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी इसका आंसर बता देना चाहता हूँ। वह जल सदस्यु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफ़ी धन लेकर ब्रिटेन लौटा एवं रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि दी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रैक। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मेडा को किस सन में परास्त किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1588। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अविवाहित रानी एलिजाबेथ। नेक्स्ट प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरीलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, अवेल तस्मान को न्यूजीलैंड की खोज कब की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1642। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन खास नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मारियो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट, अब इसको छोड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे मैं वही सब क्वेश्चन हम लोगों को बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो उसको हम लोगों को फिलहाल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लैंड के जॉन केवर्ट ने अमेरिका की उत्तरी तट की खोज की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1497। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध सिडनी बंदरगाह में प्रवेश किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1770। नेक्स्ट प्रश्न मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1773। 1773 में ही अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ हुआ। ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल 1861। नेक्स्ट प्रश्न है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 मार्च 1861। पिछला क्वेश्चन में यही सब लिखा हुआ था मेरा स्टूडेंट कि ये रिपीट कर दिया है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च 1801। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका स्वाधीनता संग्राम के नायक वाशिंगटन की मृत्यु हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 दिसंबर 1799। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब आरंभ किया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1740। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 से 1865 के बीच किस देश में गृह युद्ध लड़ा गया। जी मेरे डियर स्टूडेंट, प्रश्न कहता है दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 से 1865 के बीच किस देश में गृह युद्ध लड़ गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है गोल्डरस अमेरिका के किस राज्य में राज्य से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए कैलिफोर्निया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं कनाडा इंडियन एक्ट कब बना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1876। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी थॉमस जेफरसन। तो आज हम लोग देखें चैप्टर 10 में मोस्ट 25 क्वेश्चन, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं मैंने बता चुका हूँ, जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल ध्यान ना दें क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर 11 को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और चैप्टर 11 को डिस्कस करने से पहले मेरे डियर स्टूडेंट जितना भी वीडियो आपको बताया गया है पिछला वीडियो में वो सब आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज हम लोग चैप्टर 11 के बाद हम लोग हिस्ट्री को स्टॉप कर देंगे क्योंकि अभी बहुत सारा सब्जेक्ट बाकी है, वो सब भी कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग को जनवरी महीना में देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 11 का फर्स्ट प्रश्न, ये है चैप्टर 11 का फर्स्ट प्रश्न मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1644। नेक्स्ट प्रश्न है 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, इस सब आप छोड़ सकते हैं क्योंकि एग्जाम में सब पूछे नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 18वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन से क्या खरीदते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, चाय रेशम और मिट्टी के बर्तन, ये तीनों चीज खरीदते थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ननिंगकिंग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम अफीम युद्ध के बाद 5 बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोले गए, द्वितीय अफीम युद्ध के बाद कितने नवीन बंदरगाह व्यापार खोले गए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, चीनी क्रांति कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुआंग मितांग दल का संस्थापक कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सन्यात सेन। डॉक्टर सन्यात सेन कुओ मितांग दल के संस्थापक थे।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुदूर पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर बम गिराया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945। अगर इस प्रकार पूछा जाए कि अमेरिका ने जापान के किस दो शहरों पर बम गिराया, तो इसका राइट आंसर होगा नागासाकी और हिरोशिमा। नागासाकी और हिरोशिमा आप दोनों याद रखें, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अमेरिका ने जापान की किन दो शहरों पर बम गिराया, तो इसका राइट आंसर होगा नागासाकी और हिरोशिमा। अगर पूछे कब गिराया, तो इसका राइट आंसर होगा 1945। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जापान आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूटो का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। टोक्यो जापान का राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुंगचिंग की मृत्यु हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1875। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सन्यात सेन ने जापान में तुंगमेंग हुई नामक स्थान की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, युवान सिंह काई की मृत्यु हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जून 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सन्यात सेन की मृत्यु हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा 12 मार्च 1925 को डॉक्टर सन्यात सेन, जो कुओमातोंग सिंह के संस्थापक थे, उनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी जनवादी गणतंत्र की घोषणा हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जापान के सम्राट द्वारा नया संविधान लागू किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 फरवरी 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने कमांडर पेरी को कब जापान भेजा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। अगला प्रश्न मेरे डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिडनी कहाँ स्थित है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में पिंकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, केमिटर्न का नाम अन्य नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय, थर्ड इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है कमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछे गए हैं और 2020 में भी पूछे गए हैं, और हो सकता है मेरे डियर स्टूडेंट कि आने वाले जनवरी के एग्ज़ाम में भी आप लोगों को देखने को ये क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्न है, माओ त्से-तुंग किस पार्टी के नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहोंग क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 व्यापारियों का समूह। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुंग सी चुआंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साम्यवादी नेता ट्रस्की किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस, रशिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 1946, जापान में महिलाओं को पहली बार 1946 में मत देने का अधिकार दिया। चलिए आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं और हिस्ट्री यहीं समाप्त होते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, वो सब भी हम लोगों को कवर करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ये वीडियो इतना ज़रा शेयर करें मेरे डियर स्टूडेंट कि सभी भाई बहन घर बैठे आराम से बिना ट्यूशन से बिना कोचिंग सेंटर से घर बैठे पढ़ सकें। बस जितना क्वेश्चन मैंने बताया है उतना क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ईमानदारी के साथ पढ़े, उतना क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़ लिए तो कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो मेरे डियर स्टूडेंट कि एग्ज़ाम में आपको देखने को ना मिलेगा। पर मेरा शर्त है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग ईमानदारी के साथ पढ़ें, हो सके तो आप पास में बैठ कर डिस्कस करें अपने दोस्तों के साथ, हो सके तो पेन कॉपी लेकर लिख लिख कर पढ़ें, लेकिन हर हाल में आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि मेरे स्टूडेंट आप आराम से देखते हैं कि कोई भी कैंडिडेट अगर 16 नंबर लाते हैं तो वह फेल हो जाते हैं और कोई 17 नंबर लाते हैं तो वह पास हो जाते हैं। तो आप जान रहे हैं कि एक नंबर में कितना इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा पढ़ना होगा कि ताकि हम लोग क्रॉस ना करें, क्योंकि क्रॉस करने के बाद सभी कैंडिडेट को बहुत दुख होता है। इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट हो सके तो आप 10 मिनट 20 मिनट अभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें ताकि आपको उस टाइम पछतावा ना पड़े। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, ताइवान चीन से कब अलग हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1949। तो यही हम लोगों को हिस्ट्री समाप्त होते हैं, फिर हम लोग कोई दूसरा टॉपिक पर मिलेंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट पर मिलेंगे, उसमें भी हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे और एक टॉपिक से रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखें आज मोस्ट 25 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन मैंने बताया है उस क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा गौर से देखें ताकि एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना बने। तो मेरे स्टूडेंट आज हम लोग देखें चैप्टर 10 और 11। अभी तक कोई भी कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा